patient is very apprehensive after cataract surgery, as कि हिलेंगे तो लेंस हिल जाएगा, और मतलब कुछ भी अगर हम बिल्कुल वो सर सीधा करके और ना इधर उधर देखे बिना कुछ भी नहीं देखते हैं, और अंधेरे कमरे में उन्हें बिठा दिया जाता है, वो टीवी नहीं देख सकते, बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा सब कुछ नहीं होता है. अगर आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है तो आप 24 आवर्स के बाद, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल, यू कैन सी टीवी. ड्राइविंग आप 10 दिन के बाद करें, जब आपकी आँख का जो विजन है बिल्कुल क्लियर हो जाए. और आप काला चश्मा जो है वो पहन के रखें घर में इनिशियली 2-3 दिन तक, उसके बाद आप बाहर निकलें तो धूल मिट्टी या बहुत सन से बचने के लिए पहन सकते हैं, वो भी 15-20 डेज के अराउंड ही पहनना पड़ता है और आप निकाल सकते हैं उसके बाद. बहुत मतलब स्विमिंग जैसे है, या बहुत हैवी वेट उठाना, या बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज हैं, वो आप नहीं करें. बाकी आप वॉक कर सकते हैं और टीवी देख सकते हैं, और अंधेरे कमरे में बैठने का कोई मतलब नहीं है, लाइट्स ऑन रख सकते हैं आप, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है. और बाकी आप बस ये है कि आप आँख को रगड़े ना, उसे मले ना, हल्की सी अगर उसमें इचिंग हो रही है, जैसे आपको जिसे रड़क कहते हैं वो हो रही है, या दर्द हो रहा है हल्का सा, तो आपको जो मेडिसिन दी है आप वो डालिए, उसी से साफ़ हो जाएगा. और आप अपना जो आँख को साफ करने का है वो इट शुड बी अ स्टेराइल पैड, और यू कैन बॉयल कॉटन एट योर होम, एंड उसको पूरा आप साफ हाथों से निचोड़ के उसके बाद आप उसको उससे आँख का नीचे का बस साफ करेंगे. और दवाई डालनी है तो हमेशा नीचे की पलक को नीचे करके आप दवाई डालेंगे, ऊपर की पलक को हाथ नहीं लगाएं. और बाकी टांका नहीं आता है तो कोई इतना ऐसी दिक्कत नहीं होती है, और इंसिजन भी बहुत छोटा रहता है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, वो पुराने ज़माने की तरह 1-2 महीना वेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती है. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट जो है 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल अपना रूटीन जो है वो फॉलो कर सकता है. तो आप अगर गैस के पास भी जाएं तो इनिशियली आप नहीं जाएं खाना पकाने के लिए, बट आप 1 हफ्ते भर के बाद आप आराम से खाना वगैरह भी बना सकते हैं. और महावीर जैन के साथ मैं पिछले 5 सालों से एसोसिएटेड हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छा लेवल का हॉस्पिटल है, और एक बहुत अच्छे तरीके से एनजीओ को चलाया जा रहा है, और यहाँ पे काम करना मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आके ऑपरेट करती हूँ पेशेंट्स को, और सर्जरी जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक से मैं कर रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ सर्जन, बिकॉज एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलता है. आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, अच्छा माइक्रोस्कोप है, जो फेको इमल्सिफिकेशन का हमारी मशीन है वो बहुत अच्छी है, एंड एज अ सर्जन इफ़ आई आस्क फॉर एनीथिंग आई गेट दैट. एंड पेशेंट्स जो हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में आते हैं, आपको असिस्टेंस अच्छे से मिलती है, आपका स्टाफ बहुत कॉर्डियल है, और मैनेजमेंट की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड दे लिसन टू द डॉक्टर्स एंड दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज. सो दिस इज़ द रीज़न आई लव टू वर्क. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्निक से हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, और अपनी जो आप अपनी जो सर्जरी आपने सीखी है उसको और आगे अच्छा करने के लिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो मे बी अगर यहाँ पे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होती, और मैं सर्जरीज अब जैसे मैं करना चाहती हूँ मैं ना कर पाती, तो शायद मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करती. लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए काम करती हूँ कि मुझे एक अच्छा काम, मैं हमेशा एक एनजीओ के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन मोस्टली एनजीओज के यहाँ पे आपको लेटेस्ट चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि मे बी फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, और लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए अपने अपने हॉस्पिटल में, एंड दे फील कि कुछ भी जो है चलो काम चल रहा है तो ठीक है, विच इज़ नॉट विद महावीर. सो हमारे यहाँ पे एक मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज स्ट्राइविंग कि हमें नई मशीनें मिले, लेटेस्ट सब कुछ मिले. सो मे बी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न दैट आई एम वर्किंग हेयर, एंड आई वॉन्ट टू वर्क हेयर बिकॉज मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई एज अ डॉक्टर. ये सो सी दे से दैट अगर आप एक अंधे को सड़क क्रॉस करवा लें तो लोग कहते हैं कि हमारा दिन बन गया. सो आप एक अंधे को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाके सर्जरी करवा पाना, वो एक सर्जरी करवा पा रहा है, और उसको वो सब होने में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है.
सो इट्स अ बिग डील फॉर मी. अगर आप एक सड़क पार करा के एक इंसान कहता है उसका दिन बन गया, तो अगर मैं एक इंसान को नजर उसकी पूरी उम्र के लिए दे पा रही हूँ, तो फिर तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो इससे ऊपर क्या मिल सकता है आपको. महावीर इंटरनेशनल एक ऐसा एनजीओ है जो अपने पेशेंट्स को सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट फैसिलिटीज के साथ सर्विसेज देना चाहता है. अगर आप यहाँ पे आप हमें बहुत से लोग डोनेट करते हैं और उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे लेंसेज ले पा रहे हैं, और जो भी इक्विपमेंट या जो भी इंजेक्शंस या ब्लेड्स या कुछ भी जो भी यूज़ होता है ओटी के अंदर, वो सब हम लोग उसकी एक क्वालिटी जो है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं. एंड आई फील कि इतना जो आप कोई भी और सर्जरी करवाने जाएंगे किसी की, तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है सारा का सारा ट्रीटमेंट. लेकिन यहाँ पे बहुत कम पैसे दे के आप एक पेशेंट की लाइफ बदल सकते हैं. और जो भी लोग जिन्हें हम केटर कर रहे हैं, वो बहुत जैसे टेलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, और पेंटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इस तरह का स्ट्रेटा हम कर रहे हैं जिनके लिए आँख का ऑपरेशन कराना एक सिर्फ एक बूढ़े का ऑपरेशन कराना नहीं है कि एक 70-80 साल का बूढ़ा बैठा है घर में, आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं और फिर वो चलो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है. इट इज़ नॉट दैट. वो तो एक हमारे पास, वो लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो ड्राइवर्स, पेंटर्स और टेलर्स आते हैं, इन सब का जो जैसे गार्ड्स हैं, इन सबकी जो लाइवलीहुड है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो बेसिकली इन लोगों को तो परफेक्ट विजन चाहिए और बिल्कुल बढ़िया लेंसेज चाहिए, बढ़िया इनको टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे इनकी सर्जरी हो. अगर ये थोड़ा सा भी इनके सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम आएगी या किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी, तो इनका जॉब चला जाएगा. सो इट इज़ लाइक अगर आप ये कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली कि आप उस इंसान की हेल्प कर रहे हैं, आप इन अवे उसकी पूरी फैमिली को पालने में मदद कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बाकी ये है कि अगर आप कभी भी आ सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे ओटी रजिस्टर्स की कितने सर्जरीज होती हैं, क्या रहता है, पेशेंट का फीडबैक डालते हैं हम, और सबके नंबर्स अवेलेबल होते हैं. अगर आप कभी भी चाहें आके देख सकते हैं, उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं. सो आई फील अगर आप ऐसे एक वही है कि अगर जैसे आप एक अंधे को सड़क क्रॉस करवाएं, तो वो इतनी बड़ी आपका दिन बन जाता है. तो अगर आप एक लेंस का डोनेशन कर रहे हैं, सर्जरी के लिए डोनेशन कर रहे हैं, तो आप उसकी उस इंसान की पूरी लाइफ बना रहे हैं. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो आपको याद करेगा, आपके लिए प्रे करेगा, बिकॉज आपकी वजह से उसे वो सर्जरी मिली है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर पा सकता था. अदरवाइज प्राइवेट में जाके ये सब करवाना इज एन एक्सपेंसिव अफेयर.